मुझे लगता है कि सरकार चुनाव नज़दीक देखकर पॉलिटिकल स्टंट, इलेक्शन स्टंट करने में लगी हुई है, और लाखों लोग जिनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गेहूं और चावल, चीनी आदि मिलने चाहिए, वो पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, सरकार ने खुद माना है। और 600 रुपये में एक व्यक्ति महीने भर, एक परिवार किस प्रकार से खाना खा सकता है, ये तो मुख्यमंत्री बताएं। और ये अभी विधानसभा से भी जैसे 4 सदस्यों को बाहर निकाला गया, वही भाजपा की मांग थी कि अरविंदर सिंह लवली और आज पार्लियामेंट में भी मामला उठना था, और इस मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। सर, दिल्ली में गैंगरेप होता है और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इसके बारे में 12 घंटे बीत जाने के बावजूद तो बेखबर रहती है, वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, वो सीपी से जानकारी लेंगे उसके बाद बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। असंवेदनशील मुख्यमंत्री है, असंवेदनशील सरकार है, असंवेदनशील व्यवस्था है, जंगल राज है, और रात के 9 बजे एक खूंखार बस, दानवीय व्यवहार से युक्त बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती है, और एक अबला नारी, एक लड़की को गैंगरेप होता और चलती बस से उसको फेंक दिया जाता है मरने के लिए। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है, प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, सोनिया गांधी की नाक के नीचे और शीला दीक्षित की नाक के नीचे, ये शर्म और गैरत की बात है। और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए जो लोग इस तरह की घटनाओं पर असंवेदनशील बयान देते हैं। सर, उन्होंने कहा कि जो जिस बस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस बस में लड़के के साथ गैंगरेप है, उस बस की पहचान भी नहीं है, और उन्होंने ये कह दिया कि उस बस का परमिट कैंसिल कर देंगे हम। पहचान नहीं है, यही मैंने कहा, हास्यप्रद है, और बिना किसी एक इच्छा शक्ति के, राजनीतिक इच्छा शक्ति के, क्राइम को रोकने की इच्छा शक्ति के, यहाँ पर शासक जो है राज शासन कर रहे हैं, ये साफ प्रतीत होता है।